ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फॉर्मूलास, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। स्टार्ट करते हैं, आज हमारा टारगेट क्या है? सबसे पहला हमें 8 मिनट्स में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास लिखने हैं। कल हमने 10 मिनट लगाए थे, आज 8 मिनट में सारे फॉर्मूलास लिखे होने चाहिए। शुरू हो जाओ, सारे मुझे काम करते दिखें, मेरी स्पीड के साथ आपको मैच करना है, मेरी स्पीड के साथ। सबसे पहला, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ अ सर्कल, दिस थीटा कम्स आउट टू बी इन अ रेडियन, यू ऑल नो। उसके बाद कन्वर्जन, किसी भी एंगल को डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो वाला फॉर्मूला, राइट। डी बाय 90 इज इक्वल्स टू जी बाय 100 इज इक्वल्स टू 2r/π, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के ऊपर एक चैप्टर बेस्ड है, इसी के ऊपर एक चैप्टर ना पूरा, डी बाय 90 जी बाय 100 इज इक्वल्स टू 2r/π, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा था? क्वाड्रेंट सिस्टम हमें थोड़ा पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट सिस्टम में ये जीरो, ये पाई बाय टू, यहां पे पाई, यहां पे 3π/2, यहां पे 2π, ऐसे चलते हैं। फास्ट करेंगे बच्चों आज, हर रोज हमें 2 मिनट की स्पीड इंक्रीज करनी है, हर रोज। बताओ यहां तक सबको क्लियरली विजिबल है? क्या कंपेटेबल हो पा रहे हो? यस सर, वेरी गुड। नया सिस्टम है ना यार, तो मुझे भी लग रहा है कि आपसे पूछ लूं। तो क्लास में तो हम ऐसा ही पढ़ा करेंगे, अब जैसे 4-5 दिन हम कोशिश करेंगे कि ऐसे क्लास लगे ताकि जब आप क्लास में आओगे सारे ऑफलाइन, आपको भी अजीब नहीं लगेगा एक बार में, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम हो गया। एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज अ पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज टेकन एज अ नेगेटिव, सबको पता ही है। यहां पे ऑल पॉजिटिव, यहां पे साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, यहां पे टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, यहां पे कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। बेटा थोड़ा छोटा दिख रहा है सबको क्या? क्लियरली दिख रहा है सर? छोटा है, मतलब थोड़ा साइज बड़ा करें? यस सर। ठीक है, आगे से मैं साइज बड़ा करके लिखता हूं। हाँ, 1-2 दिन ना कंपेटिबिलिटी। तो चलो लेट स्टार्ट, यहां तक सबने ओके हो गया? अब देखो रेज करना बड़ा करेगा ना, वहां पे तो हम पेपर चेंज ऑप्शंस रहती थी। अगला, इसके बाद जो हमारे मेन प्लस वन वाले हैं वो शुरू होते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। बच्चों उसके बाद कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी। विभा समझ आ रहा है? मिस विभा, यस सर। दिख भी रहा है अच्छे से? यस सर। वेरी गुड। cos of a minus b, cos of a minus b, cos of a cos of b plus sin of a sin of b। बच्चों उसके बाद tan of a plus b, tan of a plus b is tan of a plus tan of b divided by 1 minus tan a tan b, 1 minus tan a tan b। सबको अच्छे से दिख रहे ना बेटा? सच बताना। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट। टेन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू टेन ऑफ ए माइनस टेन ऑफ बी अपॉन 1 plus tan a tan b, 1 plus tan a tan b। यहां तक सबने लिख लिए 1 plus tan a tan b, ठीक है। इरेज कर दूं बच्चों? यस सर। चलो ऊपर से करता चलता हूं। इसके बाद हमारे पास होता है cot of a plus b is equals to cot b cot a minus 1 divided by cot b plus cot a, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है cot of a minus b। बच्चों cot of a minus b is cot b cot a plus 1 divided by cot b minus cot a, याद है सबको अच्छे से?
वेरी गुड। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। tan पाई बाय 4 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इज 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, ये हमें वैसे तो ये tan ऑफ a प्लस b से ही बना है, बट हमें ये याद थोड़ा होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये देखते सार हमारे दिमाग में ही आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 2 थीटा 3 थीटा वाले करें, पहले ये लिख लो, डन है सबके? यस सर। वेरी गुड, यस सर। तो अब हम लिखते हैं 2 थीटा 3 थीटा वाले, जो हमारा 2 थीटा फॉर्मूले हैं और 3 थीटा फॉर्मूले हैं। ठीक है, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसके दो ही फॉर्मूले होते हैं, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एग्री? देखो सबको क्लियरली दिख रहा है डबल एंगल टू हाफ एंगल कैसे जाते हैं, अच्छे से दिख रहे हैं? यस सर, यस सर। सच बताना बेटा, कोई छोटा बड़ा तो नहीं लग रहा? देखो एक बार आपको मुझे बताना पड़ेगा, बताओ सबको क्लियरली विजिबल है? यस सर, यस सर। वेरी गुड, ये डबल एंगल टू हाफ एंगल जाने के लिए दो फॉर्मूलास काम में आते हैं। फिर ऐसे ही कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर सिर्फ कॉस में चाहिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अगर सिर्फ साइन में चाहिए, अगर हमें सिर्फ टेन में चाहिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या समझ आए बच्चों? ये कॉस के चार फॉर्मूलाज अपने सबको याद है अच्छे से? वेरी गुड। अच्छा, अब टेन ऑफ 2 थीटा, टेन ऑफ 2 थीटा 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, याद आ गया? डबल एंगल टू हाफ एंगल कैसे जाते हैं, सबको क्लियर है? पता क्या होता है, बुक में ना एक फॉर्मूला और बना के लिखा होता है इसी को, जैसे उन्होंने ना कॉस थीटा निकालना है, मान लो कॉस थीटा को वो कैसे लिखते हैं, कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट प्लस माइनस। हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट वॉन्ट टू लर्न दिस थिंग, हमें इसको याद करना ही नहीं है यार, हमें यहां से बनानी है चीज, बात समझ रहे हो ना? जैसे हमने कल निकाली थी वैल्यू, जैसे हमें 22 मतलब 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 45 डिग्री की पता है, बात समझ रहे हो ना? तो ये फॉर्मूला कई बच्चे याद कर लेते हैं, इसको आप लर्न मत करना, ठीक है, इसी से अप्लाई करना, यहां तक ओके? उसके बाद कौन से 3 थीटा वाले करें, 3 थीटा वाले, साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, कॉस 3 थीटा क्या होता है, 4 cos cube theta minus 3 cos theta। बच्चों tan 3 theta क्या होता है, ये बहुत important है, 3 tan theta minus 10 cube theta upon 1 minus 3 tan square theta। देखो क्या समझ आ गया, 3 theta वाले 2 theta वाले? Yes sir, yes sir। पक्का? Yes sir। सबको clearly visible हो रहा है, पूरा clearly जैसे हम paper पे लिखते हैं? Yes, yes sir। Very good, yes sir। Very good, वेरी गुड। बस थोड़ा टाइम मुझे और लगेगा बोर्ड की सेटिंग में, फिर अच्छे से हाथ बैठ जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे कौन से वाले, एक तो पहले ये रह गया है ट्रांसफॉर्मेशन वाला, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये हमारे पास होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसको आप कॉस में भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये हमारे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसके बाद हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन वाले याद करें स्टार्ट, यहां तक पहुंचे सारे मेरे साथ? यस सर, यस सर। वेरी गुड, ट्रांसफॉर्मेशन वाले। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले हैं बच्चों, ये देखते हैं ध्यान से, ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी, जब ऐसी टर्म हमारे पास आ जाए और हमें प्लस में बनाना हो तो हम सोचेंगे कि ये कैसे बना, 2 साइन ए कॉस बी एक्चुअल में कैसे बना होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी
प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस यस. पक्का सारे बच्चे? यस सर. साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. उसके बाद टू कॉस ए साइन बी. टू कॉस ए साइन बी. साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी. समझ रहे हो बच्चों? अब तक तो आपके दिमाग में बस गए होंगे. यस सर. वेरी गुड. टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए माइनस बी. मैं आगे लिखता हूं प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी. क्या समझ आ गया? यस यस. देखो ये ना मेरी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश क्या है कि क्लास की तरह ही फील हो आप लोगों को सबको, कि क्लास ही जैसे है ना, कि मतलब एक्चुअल क्लास लगे. तो आप लोगों को भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा जैसे हम क्लास में बैठे होते हैं. वीडियोस आपको ऑन करनी चाहिए बच्चों. इट्स मतलब समझ रहे हो, अगर हम एफर्ट लगा रहे हैं तो दोनों तरफ से लगना चाहिए ताकि क्लास एक बहुत अच्छी बने. और मैंने आपको समझाया हुआ है, एक बैच के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो बैच टॉप बैच बनेगा कि नहीं. इट इज नाउ अप टू यू ऑल कि आप इस बैच को कैसा बनाते हो, आप कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो. आईआईटी सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि वहां के बच्चों की अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे तो अच्छी क्लास होगी जिसमें मजा आएगा काम करने में. तो नाउ इट्स अप टू यू, आप सबके ऊपर है कि आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो, कैसा पढ़ते हो, कैसा काम कर रहे हो. घर पे बैठ के भी अगर आप एनर्जी लगाओगे ना तो वो एनर्जी फील होगी सबको. विश्वास रखो मेरा, लगा एक बार. ठीक है. टू कॉस ए कॉस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी. उसके बाद टू साइन ए साइन बी. ये होता है हमारे पास कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी. यहां तक ओके हो गया? यस सर. यस सर. इसके बाद सीडी फॉर्मूलास. सीडी फॉर्मूलास बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू. उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी इज ये वाला बच्चों, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू. उसके बाद बच्चों कॉस को मैं पहले डी लिखता हूं फिर कॉस सी लिखता हूं इज इक्वल्स टू टू कॉस सी प्लस डी बाय टू. पैटर्न वही, कॉस सी माइनस डी बाय टू. उसके बाद कॉस डी माइनस कॉस सी इज इक्वल्स टू टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू. देखो बच्चों क्या समझ आया? यस यस. पक्की बात है? यस सर. इसी तरह समझ आ रहा है? यस सर. वेरी गुड. इसके बाद हमें क्या लिखना है? एबीसी वाले लिख दे. एबीसी वाले रहते हैं. यस. एबीसी फॉर्मूलास जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. साइन ऑफ ए प्लस सी. साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी. समझ रहे हो? माइनस साइन ए साइन बी साइन सी. माइनस साइन ए साइन बी साइन सी. देखो समझ आया? यस सर. यस सर. कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बच्चों, ये बनेगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी. समझ रहे हो? माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी. काफी दिनों से हम लिख रहे हैं तो सबको पैटर्न का अंदाजा तो है ही. यस. ठीक है. टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी. हाँ भाई प्रभ सिमरन आगे क्या होता है? आगे क्या होता है? दक्ष कंसल
minus tan A tan B tan C. Very good. Divided by 1 minus tan A tan B. Minus tan A tan B. Minus tan B tan C. Tan B tan C. Minus tan C tan A. Very good. Tan C tan A. Shabash. This is. सबने लिख लिए बेटा यस सर। इसके बाद कुछ स्पेशल से फॉर्मूलेस थे स्पेशल वाले जैसे साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ 60 माइनस थीटा ये 60 डिग्री है साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा समझ रहे हो ऐसे ही cos ऑफ थीटा cos ऑफ 60 माइनस थीटा cos ऑफ 60 प्लस थीटा 1/4 cos 3 थीटा फिर tan ऑफ थीटा tan ऑफ 60 माइनस थीटा tan ऑफ 60 प्लस थीटा ये होता है tan 3 थीटा ठीक फिर हमने एक देखा cos ऑफ एंगल इनटू cos ऑफ डबल एंगल इनटू cos ऑफ 2 की पावर 2 मतलब 2 टाइम्स एंगल फिर ऐसे चलता चलता cos 2 की पावर n माइनस 1 टाइम्स एंगल ये टोटल n टर्म्स हैं ध्यान से देखो यहां से 2 की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है 2 की पावर 0 से इसका आंसर क्या होता है हमने प्रूफ भी किया था sin 2 रेस टू पावर जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं थीटा / 2 रेस टू पावर n sin थीटा ये क्लियर है बच्चों सबको यस सर पक्की बात है यस सर यस सर वेरी गुड अच्छा अब हमारी आती है वैल्यूज वैल्यूज देखें थोड़ी वैल्यूज हाँ भाई साइन 15 यही रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2 यस सर ठीक है यस 37 3/5 Yes. इसके बाद साइन 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1 साइन 36 डिग्री अंडर रूट 10 माइनस रूट 5/5 बस बस cos 18 degree 10 plus 2 root 5 by 4 cos 36 degree under root of 5 plus 1 by 4 अच्छा tan 22 degree की value भी आप लोगों ने याद करी रखी है वैसे root 2 minus 1 root 2 minus 1 क्या clear हो गया सबको अच्छे से yes sir अच्छे से clear है बताओ yes sir yes sir को yes sir वेरी गुड तो अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अगर आपको अब ट्रिग्नो सीखनी है तो क्वेश्चंस की इनफाइनाइट प्रैक्टिस करो इनफाइनाइट प्रैक्टिस जितनी भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो हर रोज 40 क्वेश्चंस का टारगेट रखो कि 40 क्वेश्चंस तो हमें करने ही करने हैं कुछ मर्जी हो जाए बात समझ रहे हो तो हम एक्सरसाइज 1 से डिस्कस करना स्टार्ट करें मेरे पास तत्व है आई हैव तत्व 1 से स्टार्ट करते हैं जो जो कंसेप्ट अभी मुझे लगेंगे कि आपको नहीं आते वो मैं करवाता भी चलूंगा जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अभी थोड़ा रहता है सिर्फ साइन और कोसाइन फार्मूलास रहेगा साइन और कोसाइन फार्मूला तो करवाया यार मैंने कल नहीं सर अभी लिखने हैं अभी लिखने रहे हैं अच्छा साइन और कोसाइन फार्मूला हां कल हमने नहीं और सर एक वो tan थीटा 2 cot tan + 2 cot 2 थीटा वाला प्रोजेक्शन फार्मूला
कल हमने जो तर्कश में नए तीर जोड़े थे भाई वो तो रिवाइज कर लें, है ना? Yes, sir. ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी, छोटा ए छोटा बी छोटा सी, ऑपोजिट्स। तो यहां पे कॉस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू टाइम्स सी बी, उसके बाद कॉस ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय टू सी ए, उसके बाद कॉस ऑफ सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय टू टाइम्स ए बी। देखो बच्चों ध्यान से, कोसाइन फॉर्मूला, दिस इज कोसाइन फॉर्मूला। नाउ साइन फॉर्मूला, जो साइन का साइड्स के साथ रिलेशन है, साइन ऑफ ए बाय ए, साइन बी बाय बी, साइन सी बाय सी, ये किसके इक्वल होता है? 1 बाय 2 आर। अभी आप इसको याद कर लो, ये आपको समझाऊंगा कि सर्कम रेडियस क्या होता है, कहां यूज करते हैं, करेंगे हम। चाहे आप इसको अभी के लिए के इक्वल समझ लो, के इक्वल तीन रेशोस, यहां तक ओके? Yes, फिर हमने प्रोजेक्शंस की थी कि मान लो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर घेरा, यहां पे ये टुकड़ा निकाला, ये टुकड़ा निकाला, देखो ये वाला इस वेक्टर का इसके साथ ये प्रोजेक्शन ही तो है। यस सर, यस सर। जिसके साथ एंगल बनता है उसको कॉस लगाते हैं, आपने किया हुआ? तो ये टुकड़ा जितना होगा वो होगा c टाइम्स cos b, ठीक है? देखो ध्यान से, ठीक है? ऐसे ही सारे b के लिए हम क्या लिखेंगे, b के लिए a को यूज करेंगे और c को यूज करेंगे, a के साथ cos c, छोटे c के साथ cos a, पैटर्न है। सी के लिए हम ए को यूज करेंगे और बी को यूज करेंगे, ए के साथ कॉस बी, बी के साथ कॉस ए, क्या बात समझ आया? Yes, sir. फिर हमने एक और चीज सीखी थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, याद है? Yes, sir. वेरी गुड, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा? Half into BC into sine of A. Similarly, हम लिख सकते हैं half into AC into sine of B. Similarly, हम लिख सकते हैं half into AB into sine of C. क्या समझ आ रहा है बच्चों? Yes. Yes. Very good. Very good. सबने लिख से? अब क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करें, क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है? क्वेश्चन से समझते हैं कैसे अप्रोच करना चाहिए किसी चीज को, एक्टिवली बैठो थोड़ा, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, एक्सरसाइज वन स्टार्ट करते हैं। चलो बताओ, पहले 10 में डाउट्स बताओ क्वेश्चंस में। सेवंथ क्वेश्चन, ठीक है? तो सबसे पहले सेवंथ पे आते हैं, ठीक है? सेवंथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास जो सेवंथ क्वेश्चन है वो है 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये किसके इक्वल दिया हुआ है? लैम्डा के इक्वल, और हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा की, इसकी वैल्यू हम चाहते हैं कुछ ऐसा सा, ये बात समझ आया? और ऑप्शन में देख के पता चल रहा है कि लैम्डा के साथ खेल लें, ये बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. अच्छा, अब देखो आप लोग ध्यान से क्या करें, हमें ऊपर ये वाली टर्म चाहिए, चाहिए कि नहीं? Yes, yes, sir. इसमें वो चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करें? Yes, sir. Yes, sir. 2 साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये तो लैम्डा की इक्वल ही है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। देखो मुझे नहीं पता क्वेश्चन होगा कि नहीं, बट विश्वास है कि हम कर देंगे, बात समझ रहे हो? विश्वास की बात है। यहां तक समझ आया सबको? अभी भी तो ये लैम्डा ही है। Yes.
ए प्लस बी ए माइनस बी, जल्दी लगाओ। बताओ क्या बना ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात समझ रहे हो बच्चों? यस सर। यस सर। अब नीचे वन प्लस साइन अल्फा लेके आना है, क्या करें, कॉस स्क्वायर अल्फा को चेंज करें। बात समझ रहे हो? यस सर। यस। अच्छा, इसको ओपन अप करो नीचे, वन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन अल्फा माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये प्लस वन माइनस वन कट गए, देखो ध्यान से, देखो बेटा ध्यान से। यस सर। ये कितना बन गया, टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन अल्फा। ध्यान से देखो, यहां पे बनेगा टू साइन अल्फा इंटू ये वाली पूरी ब्रैकेट साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय, यहां पे टू साइन अल्फा फिर कॉमन निकाल लेता हूं और अंदर बच जाएगा वन प्लस साइन अल्फा। देखो क्या बना, सब बना कि नहीं? यस सर। यस सर। कट गया? यस सर। तो ये लैम्डा के इक्वली तो था सारा, तो yes, ये भी एक्चुअल में क्या ही है, लैम्डा ही तो है। क्या समझ आया? यस सर। यस सर। सर चेक कर लो इसके जहां पे है, मेरे हिसाब से तो बी। यस सर, यही है। यही है। समझ आ गया? यस। अच्छे से? यस सर। सभी को? यस सर। यस। दिख रहा है ना बेटा, कोई लाइट वाइट के इशू तो नहीं हो रहा? नो सर। नो सर। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, जिसको ये नहीं समझ आया वो पूछेगा। कीरत समझ आ गया बेटा? यस सर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताइए। 12th क्वेश्चन। 12th। ठीक है, 10th तक कोई डाउट नहीं है, 10th क्वेश्चन तक, 10th तक। बेटा 8th क्वेश्चन कैसे कर लिया आप लोगों ने? हम रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है? डोमेन एंड रेंज हम रिवाइज भी कर लेते हैं। साइन थीटा की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज होती है बच्चों माइनस वन टू वन क्लोज क्लोज, ठीक है? कॉस ऑफ थीटा डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, रेंज होती है माइनस वन टू वन। रेंज का मतलब देखो, रेंज का मतलब जो आंसर्स आएंगे, डोमेन का मतलब जो आप पुट कर सकते हो, आप इसमें 10 डिग्री पुट, 20, 30, 40 सब चलेगा। आंसर हमेशा माइनस वन और वन के बीच में आएगा। अब ऐसा क्यों होगा मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, सिखाऊंगा, और थोड़ा सा तो मैं आइडिया दे भी चुका हूं। बात समझ आ रही है? यस। यस। टेन ऑफ थीटा, अब टेन थीटा देखो क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, टेन थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। अब जहां पे कॉस जीरो हो जाएगा, जहां पे कॉस जीरो हो जाएगा वहां पे टेन नॉट डिफाइन हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। अच्छा, अब कॉस जीरो कहां कहां पे होता है, वर्टिकल एक्सिस पे। बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। कॉस जीरो होता है पाई बाय टू पे, थ्री पाई बाय टू पे, 5 पाई बाय 2 पे, 7 पाई बाय 2 पे। यस सर। तो जो tan है उसकी डोमेन क्या बनेगी tan की? r माइनस 2n। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाय 2 n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, और जो रेंज होती है वो तो ऑल रियल नंबर्स ही होती है, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, ऑल ऑल रियल नंबर्स। ये समझ गए? yes. अभी के लिए अगर ज्यादा समझ भी नहीं आ रहा है तो याद करो, लर्न करो, धीरे धीरे समझ आने लगेगा, टेंशन मत लो। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंट थीटा, डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई, क्योंकि जहां पे साइन जीरो हो जाएगा वहां पे ये डिफाइन नहीं होगा। अब साइन जीरो होता है पाई पे, टू पाई पे, थ्री पाई पे, फोर पाई पे, तो वो टर्म्स माइनस करनी पड़ेंगी। जो रेंज आती है माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफिनिटी, इसका रेसिप्रोकल
secant theta, all real numbers. अब cos कहां पे जीरो होता है? वहां पे secant not define हो जाएगा. और cos जीरो होता है vertical axis पे. ये हमेशा याद रखो, जो cos जीरो होता है vertical axis पे, sin जीरो होता है horizontal axis पे. ये बात याद रखोगे ना, sin जीरो होता है इस पे, cos जीरो होता है इस पे. और जहां पे साइन जीरो होगा वहीं पे तो टेन जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है. आप yes. समझ रहे हो ना? यस सर. आप इससे बड़ा अच्छा अंदाजा लगा सकते हो, इससे बहुत अच्छा, कि टेन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा सबका यहां पे इस एक्सिस पे होता है साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, ये वाली पूरी एक्सिस पे, और जो ये वाली एक्सिस है यहां पे होता है कॉस थीटा जीरो. ठीक है बच्चों? Yes, तो सीकेंट की जो डोमेन बनेगी बता सकते हो क्या बनेगी? 2n plus 1 pi by 2, क्योंकि ये वाले सारे एक्सिस माइनस करने हैं, pi by 2 माइनस करना है, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, ये सारे माइनस हो जाएंगे ना. जर्नल टर्म लिख दी हमने, n belongings to integer, और जो इसकी रेंज बनेगी वो बनेगी माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. क्या बात समझ आ गई? Yes, sir. इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा, इसकी जो डोमेन होगी जहां पे भाई ये जीरो होता है. अब टेन जीरो कहां पे होता है? जब कॉस जीरो हो जाए, जब साइन थीटा जीरो, जब साइन थीटा जीरो, तो साइन थीटा जीरो होता है इस पे, तो इसकी डोमेन बनेगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई. इसकी रेंज बनेगी माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ओपन ओपन एन बिलोंगिंग्स टू इंटीजर हेयर. देखो क्या समझ आ रहा है सबको? Yes. अच्छे से? Yes. Yes. पक्की yes, बात है? Yes. वेरी गुड, ब्रिलियंट. क्वेश्चंस पे आ जाएं दोबारा से. यस सर. देखो मैं और छोटी सी चीज सिखाता हूं, बड़ी मजेदार है ट्रिग्नोमेट्री, अब मजा आना शुरू हो जाएगा. एक्चुअल में साइन थीटा क्या है? देखो मैंने आपको वैसे वीडियोस भी प्रोवाइड की थी साइन थीटा क्या होता है, तो अभी दिखने की कोशिश करते हैं. एक यूनिट सर्कल लगाओ, एक यूनिट सर्कल, ठीक है? यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस वन है, जिसका रेडियस वन है. थोड़ा फील करते हैं, थोड़ी सी बात, बस थोड़ा ही दूंगा, क्योंकि इस पे अगर टाइम लगाऊंगा तो फिर बहुत लेक्चर वेस्ट जाएगा. अब मान लो आप सर्कल की इस पोजीशन पे खड़े हो, सर्कल की हम एंटी क्लॉकवाइज थीटा हमेशा पॉजिटिव देखते हैं, क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव देखते हैं, ये नोटेशन है. अभी हम यहां पे खड़े हैं, यहां पे, तो ये हमारी ट्राइंगल बनेगी. इस पॉइंट पे जब हम बेस के ऊपर परपेंडिकुलर मारेंगे ये होगा, ये लेंथ दिख रही है सबको, ये वाली. यस सर. और हमने जो एंगल बनाया हुआ है वो ये है. और साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो वन है, ये पी है. अब जैसे ही आप एंगल बड़ा करोगे तो साइन थीटा क्या होगा? इंक्रीज करेगा ना? यस सर. क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ये परपेंडिकुलर बड़ा हो गया. क्या ये बात समझ आई? यस सर. अब जैसे ही आप और थोड़ा सा ऊपर गए तो फिर जब आपने ट्रायंगल बनाई तो फिर साइन थीटा इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? यस सर. अच्छा, अब जैसे ही आप 90 पे गए, पूरे 90 पे क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ही बन गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ही बन गया. यस सर. तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 1. क्या समझ पाए थोड़ा सा? Yes, sir. अब जब आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे खड़े थे यहाँ पे 0 degree पे, क्या कोई परपेंडिकुलर गेर पा रहे थे बेस के ऊपर? No, sir. तो साइन थीटा 0 degree पे कितना होता है? Zero. क्या समझ पा रहे हो बच्चों? थोड़ा सा समझ पा रहे हो? 5-10%. Yes, sir. बात है. वेरी गुड. अब जैसे ही आपने एंगल बड़ा किया, आप यहाँ पे गए, अभी भी देखो साइन तो पॉजिटिव ही रहा, ये लेंथ है तो पॉजिटिव ही. सेकंड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है ना? यस सर. अच्छा, अब क्या हुआ? जैसे ही आप एंगल बड़ा कर रहे हो, साइन थीटा क्या हो रहा है? डिक्रीज 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 हो रहा है. बात समझ रहे हो?
है अभी भी पॉजिटिव, है अभी भी पॉजिटिव, बट जीरो यहां पे हो जाएगा. देखो क्या समझ आया? यस यस. बनाना हो तो कुछ ऐसा बनेगा, देखना पाई बाय टू तक तो ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया. थोड़ा बड़ा बनाते हैं. यहाँ पे आके मैक्सिमम हो गया, पाई पे आके क्या हुआ, ये जीरो की तरफ बढ़ गया. बात समझ रहे हो? अब देखो क्या होगा, अब ये फिर से इंक्रीज करना शुरू कर गया, बट अभी फर्क क्या पड़ गया, नेगेटिव नेगेटिव इंक्रीज कर रहा है. y एक्सिस नेगेटिव हो गया ना थर्ड क्वाड्रेंट में. यस यस सर. तो 3 पाई बाय 2 तक क्या चलेगा, 3 पाई बाय 2 तक ये -1 तक जाएगा. बात समझ रहे हो? -1 तक. यस सर. यस सर. ये बन गई बात. यहां पे है 1. फिर देखो ध्यान से क्या होगा, अभी भी नेगेटिव में तो है बट जीरो की तरफ जा रहा है. बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ये बन गया. कुछ समझ आया? 5%. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत, बहुत. तो आप ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है? अब देखो 30 डिग्री पे 1/2 होते हैं, इससे एक और फील करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा देखना कैसे. साइन 30 डिग्री पे कितना होता है? 1/2. मतलब ये लेंथ 1/2 होती है, ये बात मानते हो? यस सर. यस सर. तो इधर से भी 30 डिग्री पे 1/2 ही आएगा ना? यस सर. यस सर. मिट्टी तो है. यस सर. तो एक्चुअल में ये कितना एंगल बनेगा? 150. समझ आया? 150. ये पूरा 180 होगा. बेटा कुछ कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? इम्पॉर्टेंट बात बताइए मैंने. अगर आपसे कोई कहे कि साइन वन, आप ये बताओ कि साइन थीटा 1/2 के इक्वल है, तो आज तक तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, थीटा का कितना बताते हैं? 30 डिग्री. यस. पर अब हम बड़े हो चुके हैं, थीटा 30 डिग्री भी हो सकता है, 150 डिग्री भी हो सकता है. बात समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. और ऐसे ही घूम के जब जाएंगे 360 प्लस 30 भी हो सकते हैं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और फिर ये कितना होगा, 150 ऐड करो 360 में, 510 डिग्री. बात समझ रहे हो? ये सारे एंगल्स होंगे. Yes, sir. क्या बच्चों समझ आया कि नहीं, सच बताओ यार. Yes, yes, sir. कुछ पूछने तो खुल के पूछो, खुल के. अच्छा अब नेगेटिव से भी तो देख सकते थे भाई, ये कसम थोड़ी खाई हुई है कि एंटी क्लॉकवाइज ही चलने, क्लॉकवाइज भी तो चल सकते हैं. अगर क्लॉकवाइज में देखूं तो ये एंगल कितना आएगा? -210. 180 डिग्री प्लस 30 210 डिग्री, बट एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव, तो माइनस का 210 डिग्री. फिर कौन सा आएगा? -330 डिग्री. समझ रहे हो ना? अप टू सो ऑन. ये सारे एंगल्स इसका आंसर है, ये सारे एंगल्स इसका आंसर है. बात समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? यस सर. यस. पक्की बात है? यस सर. यस. अच्छा बस ये याद रखना कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो नेगेटिव. नेगेटिव. एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज ऑलवेज नेगेटिव. अगर मैं आपसे बोलूं, देखो चलो यहां तक लिख लिया सबने? यस यस सर. वेरी गुड. एक बात और सीख लो अभी, सारी की सारी गेम ना इस क्वाड्रेंट पे खड़ी है. जिस दिन आपने इसको अपने मन में बिठा लिया ना, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा ट्रिग्नो का. अगर मैं आपसे कहूं पाई माइनस पाई बाय 6, तो आपको किस एंगल पे जाने की मैं? ध्यान से देखना, ध्यान से समझो इस बात को, छोटी सी बात है. मैं आपसे कह रहा हूं कौन सा एंगल जाना है आपको, पहले पाई मूव करना है, पॉजिटिव है ना?
पहले पाई मूव करना है, हमेशा जीरो से खड़े होके, हमेशा ये हमारा जीरो लेवल है, बात समझ रहे हो? पहले पाई मूव करने को बोल रहा हूं, फिर मैं आपको क्या कह रहा हूं, माइनस हो जाओ कितना, आके आगे की तरफ पाई बाय थ्री, इस तरफ उल्टी डायरेक्शन में, समझ रहे हो, क्लॉकवाइज। यस तो एक्चुअल में मैं आपको यहां पे आने को बोल रहा हूं, ये एंगल कितना होगा, यहां से तो ये पाई बाय सिक्स होगा, और वहां से कितना होगा, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस एंगल पे जाओ पाई प्लस पाई बाय सिक्स, तो आप कौन से पे जाओगे, पहले पाई मूव करोगे, फिर पाई बाय छह और मूव करोगे, बात समझ आ रही है? यस सर, यस सर। इसको अपने मन में बिठा लो, मन में क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे, क्या ये बात समझ आई? यस 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 पक्का? यस सर, यस सर, यस सर। देखते हैं किसका समझ आई है ना, दिमाग भी तो देखें थोड़ा। अच्छा सिंपल क्वेश्चन करते हैं, मैंने आपको दिया साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन बाय टू, क्या आप मुझे जर्नल सॉल्यूशन बता सकते हो, जर्नल सॉल्यूशन क्या होगा, सोच के, जर्नल सॉल्यूशन मतलब जो हमने अभी सारे एंगल्स लिखे थे ये वाले, देखना अब ये कौन से एंगल होंगे, पहले देख लो आपको लिखना क्या है, पेन है, वी हैव पेन, साइन थीटा वन बाय टू 30 डिग्री पे होगा, और यहां पे होगा ये वाला 30 डिग्री, अब आपको इसको पाई बाय 6 भी लिखते हैं हम मैग्नीट्यूड वाइज, जर्नल में बताना है कि ये आंसर कितने होंगे, जर्नल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं, नहीं नहीं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो इनफाइनाइट होंगे, ये सर वो तो इनफाइनाइट, जर्नल सॉल्यूशन, देखो जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है, चलो पहले सीख लो, दो मिनट देना। देखो जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब ये तो आप लोगों ने मार्क करके बता दिया कि सर ये सारे एंगल्स होंगे, आप पाई बाय सिक्स बोल लो, फाइव पाई बाय सिक्स बोल लो, फिर घूम के आ जाओ, ये तो ड्राइंग हो गई ना, ये बात समझ रहे हो, ये तो ड्राइंग हो गई। यस सर, अब इसको लिखना कैसे है मैथमेटिकली, क्या इसको ऐसे लिखे, देखना थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, ये कौन कौन से हैं, जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, ऐसे ही हैं? यस यस सर। फिर ये कैसे हैं, माइनस पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई, ये वाले एंगल्स हैं ये सारे, ये वाला, यस सर, यस। इतनी बात समझ आई बच्चों, स्टेप स्टेप समझते हैं, लिख बाद में लेना, ये समझ आया? यस सर, यस सर। अब ध्यान से बड़ी कॉन्शियसली सुनना, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है, वो यही फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर्मूला कैसे बना। अब देखो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, जब एन की वैल्यू इवन होगी तो हमें प्लस में करना है पाई बाय सिक्स, यस यस प्लस पाई बाय छह, बट ये फॉर्मूला कब है, जब एन क्या हो, इवन इवन, ये बात समझ गए, यस यस n इंटीजर हो, n क्या हो, इंटीजर हो ना, आप n को 1 रखो, पाई प्लस पाई बाय 6, नहीं n को 2 रखोगे, इवन रखने है, 2 रखेंगे, 2 पाई प्लस पाई बाय 6, इस एंगल पे पहुंच गए, यस सर, n को 4 रखो, 4 देखो कौन सा एंगल पहुंचे, 4 पाई प्लस पाई बाय 6, फिर से ये एंगल आ गया, यस सर, यस n को 6 रख के देखो, 6 पाई प्लस पाई बाय 6, ये एंगल आ गया दोबारा से, सर आ गया, Yes, अब नेगेटिव में भी रख के देख लो, माइनस का 2 रखो, देखो माइनस 2 पाई यहां पे आओगे, यस सर, प्लस पाई बाय 6, प्लस पाई बाय 6 ऊपर को, यस यस सर, यस सर, फिर से वही एंगल बन गया, यस सर, यस सर। क्या बच्चों बात समझ पा रहे हो, ये इस एंगल को लिखने का तरीका हो गया, इस एंगल को, ये वाले को, यस यस सर, यस सर। देखो किसको किसको समझ आया, सच बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बताओ बच्चों, यस यस सर,
कोई कुछ पूछना चाहता है दोबारा से बताओ, अभी तो दोबारा भी सिखा दूंगा सर, अगर ऑड हुआ तो एम, अगर ऑड हुआ बताता हूँ, रुक जा, जो बताया वो देख। अब देखो बच्चों, हमें तो ये वाला एंगल भी लिखना है साथ में। यस सर। इसको कैसे लिखें? सोच के देखो, एन पाई माइनस पाई बाय छे, बट ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब एन की वैल्यू ऑड होगी। ऑड। यस। सोच के देखो, जब आपने एन को पाई रखा, वन रखा, वन पाई माइनस पाई बाय छे, पाई माइनस पाई बाय छे, एन को तीन रखा, तीन पाई, दो पाई, तीन पाई माइनस पाई बाय छे, ये एंगल पे आई जा रहे हो ना बारी बारी। यस सर। यस सर। एन को नेगेटिव रख के देखो, अब नेगेटिव एन को आपने रखा माइनस वन, माइनस पाई बाय छे, देखो अपने आप ही ऐड हो गया, माइनस पाई बाय छे, उधर से भी घूम गए, इधर से भी घूम गए। क्या समझ आया बच्चों? यस यस सर। सच बताओ? यस सर। यस सर। अच्छे से? यस। अब इनको अगर क्लब करना हो तो कैसे लिखूंगा? देखना कि ऐसे नहीं लिख सकता, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन की पार एन पाई बाय छे। यस यस। सोच के देखो। यस जब आप एन को ऑड रखा करोगे तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव हो जाया करेगा, जब आप एन को इवन रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से, सोच के देखो बच्चों। यस सर। यस सर। क्या समझ आया? सच बताओ, सच। यस सर। यस सर। अक्षय सिंगला समझ आया बेटा? यस सर। सच बोल रही हो ना? यस सर। कीरत समझ आ गया ये वाला सिस्टम? यस सर। वेरी गुड, बस ये समझ गए तो सब कुछ हो जाएगा, ये समझ गए ना आज के बाद? यस सर। तो बुक वाले एक फॉर्मूला भी लिखते हैं, देखना वो क्या होता है, वो क्या फॉर्मूला होता है, कि अगर साइन थीटा हमें दिया हुआ है साइन ऑफ अल्फा, एक्चुअल में ये क्या है, साइन ऑफ पाई बाय छह ही तो है। यस। तो उन्होंने फॉर्मूला क्या बनाया हुआ है, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन की पार एन अल्फा। भाई हमने भी तो यही बनाया है। यस सर। क्या बात समझ आ रही है प्रैक्टिकली पूरा? यस सर। यस सर। यस सर। सच बताओ यार, इसमें एनर्जी बहुत लगती है और समझ आता नहीं है बच्चों को। यस सर। यस सर। मेरे लिए तो ये इजी था ना बताना, मैं तो एक बात समझ रहा हूँ ना, इसको बताने में कितना टाइम लगना था, बट इससे मजा आएगा। एक बात आती है देखो, जो टफ पाथ होते हैं ना बेटा, जो मतलब जैसे आप आईआईटी वाईटी सारे जाना चाहते हो, शुरू में बहुत दिक्कत आएगी, जब आपको आने लगेगा तब ये एक मजा आने लगेगा। बात समझ रहे हो? अभी शुरू वाला फेस है, तो अगर डिस्कम्फर्ट हो रहे हो, थोड़ा कम समझ आ रहा है, थोड़ी घर पे मेहनत करो, एक्स्ट्रा आओ, तो मतलब समझ रहे हो ना, डिस्कम्फर्ट तो होगा ही होगा, प्रेशर तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा, और यही पता लगेगा कि कौन सा पत्थर मूर्त बन सकता है और कौन सा नहीं। देखी थी वो वीडियो पत्थर वाली? यस सर। यस सर। आप पे क्या ये समझ आ गया सबको? यस सर। चलो अब एक चीज करके दिखाओ, खुद से सारे अपना अपना सोच के, साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू, जर्नल सॉल्यूशन लिख के दिखाओ, कोई बोलेगा नहीं, खुद से सोचो, ये क्वाड्रेंट्स बना के खुद से सोचो, खुद से टेक अ टाइम। Done. Very good. Done, sir. Good, good. Done. Good. Done, sir. Done, sir. So done. So done.
Sudan. Sudan. Very good. अब देखो दोबारा समझते हैं, एक कोशिश और करता हूं ध्यान से। वैसे फॉर्मूला लगा ही सकते हैं, वो तो एक मिनट का काम है। देखो अगर फॉर्मूला लगाना हो इसको ऐसे लिख लें, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय थ्री। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, ये हमारा अल्फा हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन की पार एन पाई बाय थ्री। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। यस यस समझ रहे हो ना? यस। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब इसको समझते हैं। आपको दिया हुआ है साइन थीटा रूट थ्री बाय टू। आप देखो रूट थ्री बाय टू ये कौन से एंगल पे होता है? साइन थीटा रूट थ्री बाय टू कौन से एंगल पे होता है? 60 डिग्री। पाई बाय थ्री बोल लूं यहां से? यस। बताओ। यस यस सर। अब ये यहाँ पे भी होता है रूट थ्री बाय टू और यहाँ पे भी आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का रूट थ्री बाय टू। यहाँ से भी पाई बाय थ्री होगा, यहाँ से भी पाई बाय थ्री होगा ना। एक्चुअल में ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस पाई बाय थ्री कितना होता है? पाई बाय थ्री। टू पाई बाय थ्री। पाई बाय थ्री। पाई माइनस पाई बाय थ्री। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस Yes, sir. Yes, sir. तो साइन थीटा रूट थ्री बाय टू दो जगह पे होता है। कौन कौन सी जगह पे? एक तो इस पे, एक इस पे। कहानी खत्म हो गई, हमने तो बना दिया, अब तो लिखना रह गया। बात समझ रहे हो? सिर्फ दो जगह पे पॉसिबल था, एक तो इस एंगल पे, एक इस एंगल पे। अब इसको लिखते हैं। पहले देखो क्या ये बनाना आया सबको? अच्छे से? Yes, sir. अच्छा अब इसको लिखते कैसे हैं? देखो लिखते कैसे हैं, जब भी आप यहां पे हो आपने कुछ प्लस करना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मतलब प्लस करना है। आप जीरो पे, टू पाई पे, फोर पाई पे, सिक्स पाई पे, इन सब पे प्लस करना चाहते हो तो इसको ऐसे लिखे, थीटा इज इक्वल्स टू, जो ये वाला थीटा है, ये वाला, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एन पाई प्लस पाई बाय थ्री। बट ये कब वैलिड है? जब एन क्या हो? Even integer, चाहे वो नेगेटिव में क्यों ना हो जाए। देखो माइनस टू भी तो बोल सकते हैं इसको, माइनस टू पाई। यस। माइनस फोर पाई भी तो बोल सकते हैं। यस सर। यस सर। माइनस सिक्स पाई भी तो बोल सकते हैं बच्चों। यस सर। क्या ये बात समझ आ गई कि हमने ये वाला एंगल लिख डाला? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये वाला एंगल आ गया, ये वाला, इसके लिए थीटा कैसे लिखें? इसके लिए थीटा देखो क्या होगा, हमें पहले पाई जाना है, फिर पाई बाय थ्री माइनस करना है, फिर हमें थ्री पाई जाना है, फिर पाई बाय थ्री माइनस करना है, फाइव पाई जाना है, थ्री पाई, पाई बाय थ्री माइनस करना है, तो एन पाई माइनस पाई बाय थ्री। बट ये कब वैलिड है? क्या समझ आया? अच्छे से समझ आ रहा है बच्चों? Yes, sir. अब इन दोनों को क्लब करके लिख दें, क्लब करके कितना बना? n पाई प्लस माइनस वन की पार n पाई बाय थ्री एंड n बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। क्या समझ आया? Yes, sir. प्रैक्टिकली समझ आया ना क्या होता है ये? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. देख लो। Yes, sir. देखो बेटा सबको समझ आया? Yes, sir. विभा समझ आ गया? इशिता, हर्षिता, किंशुक? Yes, sir. Very good. अब एक खुद से करके दिखाओ दोबारा से, इसको इरेज कर दूं? Yes, sir. बच्चों ये करके दिखाओ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन बाय रूट टू, जनरल सॉल्यूशन लिखना है। कम ऑन, पूरा एफर्ट लगाओ, हो ना हो कोई बात नहीं है, एफर्ट लगाओ।
और वीडियोस ऑन करो. करणप्रीत सिंह समझ आ रहा है तुझे तो आ जाएगा, इन सबको आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा. अक्ष सिंगला डन सर. अच्छा डन सर. वेरी गुड डन सर. आयुष गोयल समझ आ रहा है? यस सर. स्नेहा समझ आ रहा है? यस सर. वेरी गुड. गौतम समझ आ रहा है बेटा? यस सर. गौरव? यस सर. सोबिन समझ आ रहा है? यस सर. युवराज तुझे समझ नहीं आया, वीडियो ऑन करनी है? वंश समझ आ रहा है तुझे? वंश बंसल बोलता नहीं है यार आजकल, है ना, जब से इसका लैपटॉप ब्रेक हुआ है ना, दुख में ही हो गया ये तो. चलो इसके लिए पहले ग्राफ बनाएं, बड़ा सिंपल है, देखना कितना मजा आएगा. हमें पता है ये 1 बाय रूट 2 कितने एंगल पे होते हैं? 5 बाय 4 पे. 1 बाय रूट 2 भाई यहां से भी तो होगा फिर ना, कुछ कुछ सिमिट्री तो है. यस यस. तो ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4. गेटिंग बच्चों? यस सर. तो ग्राफ तो जी बन गया, क्या समझ आया? Yes, 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 sir. अब हमें लिखना है, अब हमें लिखना रह गया कि इस एंगल को और इस एंगल को कैसे लिखें. बात समझ गए? लिखना रह गया. Yes, अच्छा, sir. Yes, अब कैसे लिखेंगे? पहले इसको लिखते हैं. देखो क्या हो रहा है, 0 प्लस पाई बाय 4, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 4 पाई प्लस पाई बाय 4, 6 पाई प्लस पाई बाय 4, या फिर क्या हो रहा है, माइनस 2 पाई प्लस पाई बाय 4, माइनस 4 पाई प्लस पाई बाय 4, माइनस 6 पाई प्लस पाई बाय 4. समझ पा रहे हो? ऐसे लिखते हैं, n पाई प्लस पाई बाय 4, बट दिस इज ओनली वैलिड व्हेन n इज इवन इंटीजर. क्या बात समझ गए? दिस एंगल. अच्छा अब ये वाला एंगल, ये वाला देखो क्या करना है. हमें जाना है पाई पे, फिर पाई बाय 4 घटाना है. हमें जाना है 3 पाई पे, फिर पाई बाय 4 कम करना है. हमें जाना है 5 पाई पे, फिर पाई बाय 4 कम करना है. बात समझ आ रही है? यस सर. यस सर. जा फिर हमें क्या करना है, माइनस पाई पे जाना है और माइनस पाई बाय 4 ऐड करना है. पाई बाय 4 ऐड करना है मतलब माइनस का इस डायरेक्शन में. समझ आ रहा है? यस सर. यस सर. जा फिर हमें क्या करना है, माइनस 3 पाई जाना है, माइनस पाई बाय 4 ऐड करना है. बात समझ आ रही है? Yes. Yes, yes, sir. को आ रही है? Yes, yes, sir. Yes, sir. वीडियो ऑफ हो गई है, अब बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, मुझे सबकी वीडियोस दिख रही हैं. और क्लास में मैं उन्हीं को अलाउ करूंगा जिनकी यहाँ पे वीडियो ऑन रहती है. जो ऑफलाइन क्लास होगी, बाहर कुछ मर्जी कहते रहे, डजंट मैटर एट ऑल, मेरी क्लास में आप तभी बैठ सकते हो. अब ये कितना होगा बच्चों, एन पाई माइनस पाई बाय 4, एन बिलोंगिंग्स टू ऑड इंटीजर. क्या बात समझ आई? यस सर. यस सर. अब इनको क्लब करना है हमें, क्लब. क्या बात समझ आ गई? यस सर. यस सर. यस सर. सबको अच्छे से समझ आ गई? यस सर. यस सर. यस सर. Yes, देख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नहीं तो फिर फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे. और मैं आपको बता देता हूँ, आप में से 15-20 ऑफलाइन क्लास लगा पाएंगे, बाकियों को तो मुश्किल ही लग रहा है, एटलीस्ट मेरे बैच में. बाकियों का चलो कोई बात नहीं, बहुत बैच है. सृष्टि, मनिंदर सिंह, स्नेहा, पूर्णिका, सब कोई बात नहीं, मिलते रहना, ठीक है, बाद में भी मिलते रहना. वंश, ऐसा हो जाएगा ना ईशा कि मैं सिर्फ डरा रहा हूं?
क्या कह रही हो? पता नहीं सर। पता नहीं? अच्छा, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, तुम्हें ये नहीं पता लगा? हो जाएगा, हो जाएगा, ये ठीक, that's the spirit। अब आगे बढ़े, एक क्वेश्चन डालूं, खुद से सोचोगे? यस सर, यस सर। चलो फिर। यस। साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू, कम ऑन गाइस। डन सर, डन सर, डन सर, डन सर, वेरी गुड, डन सर, वेरी गुड, डन सर, डन सर, डन सर, डन सर, डन सर, वेरी गुड, 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 डन। अब पहले तो बनाना था, लिखने का काम तो बाद में है। माइनस वन बाई टू किस एंगल पे होता है? यहां पे और यहां पे, ये पता होना चाहिए था, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही नेगेटिव होता है ना। यस सर, यस सर। अगर प्लस का वन बाय टू 30 डिग्री पे होता है तो ये माइनस का 30 डिग्री होगा। यस यस सर। भाई ये तो क्लॉक, मतलब सिर्फ अभी तो मैं सिर्फ ये कर दूंगा ना, यहां से भी ये पाई बाई थ्री होगा। यस सर। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, इसको माइनस ही लगा लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है? अभी भी हमें वही काम करना है, जब हम जीरो पे खड़े हैं, समझ रहे हो, तो माइनस पाई बाई थ्री एड करना है ऑटोमेटिकली यहां पे हो जाएगा। यस। जब हमने पाई बाई सिक्स आएगा, सॉरी पाई बाई सिक्स, 30 डिग्री। करें, स्टार्ट करें दोबारा से। देखो यहां पे पहले इस एंगल को लिखते हैं, इस एंगल को 2 पाई पे हमें क्या करना है? माइनस पाई बाय 6। यस सर, यस सर, यस सर। 4 पाई पे माइनस पाई बाय 6। यस, यस सर। तो इसको ऐसे लिखें, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई माइनस पाई बाय 6, एन बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, बट जब एन कौन सा इंटीजर हो? इवन इंटीजर। इवन। ये बात ओके है? यस सर। अब वहां पे हमने क्या किया था, इस टाइप के एंगल्स के लिए प्लस लिखते थे, तो यहां पे ऐसे लिख दूं, देखना, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, ऐसे लिख दूं, एक ही बात है। यस सर, यस सर। एन जब इवन, यहां पे क्या होगा, एन पाई, देखो पाई में पाई बाय 6 ऐड करना है, उसी डायरेक्शन में है ये, बात समझ पा रहे हो? यस सर, यस सर। प्लस पाई बाय 6, या फिर इसको ऐसे लिख दूं, दो मिनट, एन बिलोंगिंग्स टू ऑड इंटीजर, एन पाई माइनस माइनस पाई बाय 6, ये ठीक है? यस सर, यस सर। पक्की बात है? यस, यस सर, यस सर। अभी भी तो देखो वैसा ही पैटर्न बन गया, जब ऑड है तो नेगेटिव माइनस करना है ये वाला एंगल, जब इवन है तो प्लस करना है ये वाला एंगल, तो इनको क्लब करके कैसे लिखें, एन पाई प्लस माइनस वन की पार माइनस पाई बाय 6, क्या बात समझ आया? यस सर, यस yes, फॉर्मूला yes, को हम स्टैंडर्ड ही रखते हैं, फॉर्मूला मैंने स्टैंडर्ड ही रखा आप लोगों के लिए, क्या ये बात समझ आई? यस, 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 किसी मतलब दिक्कत हो सकती है शायद, बात समझ आया कि नहीं सर? हाँ जी, हाँ जी, बताओ सर। मैंने फॉर्मूला बनाया था एन पाई प्लस माइनस वन की पार एन प्लस वन पाई बाय 6।
हम माइनस वन की पार एन प्लस वन हो जाएगा, बस लिखते इसको ऐसे हैं। ओके क्या थोड़ा सा समझ आया? यस सर। अब आप घर पे करके देखना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री बाई टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई रूट टू, ठीक है? और आप करके देखना, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई टू, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन बाई रूट टू। हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, ठीक है? दोनों में कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन, टेन थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री। ये दो टेन के लिए बना के देखना, ये कॉस के लिए बना के देखना, ये साइन के लिए बना के देखना। अच्छा, और जो आपको लेक्चर दिया था उसकी हेल्प लेना, ठीक है? उस लेक्चर को दोबारा सुनना, दोबारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये एक बार में लगता होता है कि हमें आ गया। क्या बात समझ आ गई सबको? Yes, sir. तो लिख लो, ये बूस्टर ही आपके लिए, बूस्टर क्वेश्चन ही है, ये एज अ बूस्टर होमवर्क है, ठीक है? दिमाग लगेगा इनपे, दिमाग आपको सोचना आएगा। अच्छा, आप क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहले 10 हो गए हमारे, 1 to 10 में देख लो अच्छे से। Yes, sir. कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बेटा? हो गए सर, हो गए, ठीक है। अब बोलो 10, 11 to 20 में। 11 to 20 में आप बोल रहे हो 12th क्वेश्चन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, है ना? टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, होना चाहिए था बच्चों, ये होना चाहिए था। बी ऑप्शन, यस। टू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, उसके बाद सी ऑप्शन दी हुई है। टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू x माइनस वन बाई एक्स, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये क्वेश्चन है बच्चों। यस सर, इन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। क्वेश्चन क्या ये समझ आ गया? यस यस सर। इन्होंने और भी कुछ लिखा हुआ है कि x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, हाँ x belongings to real number है और x zero नहीं है। Obviously x zero होगा तो not defined बन जाएंगी ना terms। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, अब एक number और उसका reciprocal क्या होता है, इसकी property? Greater than equal to two, minimum value two. जा तो ये दो से बड़ा होता है, two to infinity, जा फिर ये minus two से छोटा, minus infinity to minus two, ये बात समझ रहे हो? Yes, sir. एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल जा तो दो या दो से बड़ा होगा, या फिर माइनस दो या माइनस दो से छोटा होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि नंबर पॉजिटिव है तो ये, नंबर नेगेटिव है तो ये। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, अब ये साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 to -1। ये कभी ना कभी तो इक्वल हो ही सकते हैं, टू पे हो जाएंगे ना। जब मैं इसको टू रख, एक्स को वन रख दूं तो ये भी टू हो सकता है थीटा 90 पे। बात समझ रहे हो? तो पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्या ये बात समझ आई? सोचना कैसे है? अच्छा, अब ये देखो, क्या ये पॉसिबल होगा? भाई नंबर और उसका रेसिप्रोकल, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, ये वाली टर्म जा तो दो या दो से बड़ी होगी, जब माइनस दो या माइनस दो से छोटी होगी, और ये वाली टर्म इसकी रेंज कहां से कहां तक है, इस पूरे की? माइनस टू टू टू, क्योंकि कॉस थीटा है माइनस वन टू वन, उसका टू टाइम्स करेंगे माइनस टू टू टू। बात समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा एक एंगल पे। बात समझ आ रहा है? ये भी पॉसिबल हो जाएगा। इज दिस ओके? यस सर। अच्छा, अब इस पे आते हैं। सबसे पहले इस पे सीधा दिख रहा है, नंबर और उसका रेसिप्रोकल,
दो जा दो से बड़ा, माइनस दो जा माइनस दो से छोटा, बट ये बेचारा गरीब कहां से कहां तक, क्या कभी दो चीजें इक्वल हो सकती हैं ये? नो सर, नो सर, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। अच्छा अब दिक्कत है यहां पे, इसको भी तो चेक करना है। यस सर, यस, ये बात समझ आ रही है? यस सर, यस सर, क्या कह रहे वैल्यू ऑपरेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 है, क्या बोल रहा है? x minus 1 by x greater than equal to 0 या less than equal to 0? दो मिनट रुकिए, दो मिनट रुकना यार, एक एसी बंद कर दे यार। ठंड चाड़ती वो भी बंद कर दे एसी। अच्छा 2 sin theta x minus 1 by x करें स्टार्ट। चलो आप ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, वीडियो ऑफ हो गई है, कोई बात नहीं, डरो मत, सब बदला लिया जाएगा, सबके जितने जितने पाप हैं सब भरने पड़ेंगे भाई कुछ ही दिनों के बाद। पलिका तुम ऑफ ही कर लो, कुछ जरूरत नहीं है। सर आपकी आवाज आ नहीं रही थी, वो लाइट चली गई थी। अच्छा अब आ रही है? यस सर। ये लाइट भी बड़ी गंदी चीज है ना, जब मैं बात बोलता हूँ तभी चली जाती है ना, ये कनेक्शन भी तभी फेल होता है जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। तुमने नोट किया कभी ये बात? दस मिनट दे। साइन थीटा एक्स प्लस वन बाय एक्स, सॉरी एक्स माइनस वन बाय एक्स, इसको कैसे करें? मैं सारा कुछ इरेज कर रहा हूं, अब इस इसी पे चलते हैं। टू साइन थीटा, टू साइन थीटा ही है ना, बिल्कुल, एक्स माइनस वन बाय एक्स। हां जी बच्चों बताओ, ये बताना है कहां तक होगा, बता सकते हो? बताओ बच्चों, x माइनस वन बाय एक्स माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, क्यों ऐसा क्यों? चलो अगर है भी, क्योंकि सर जीरो भी हो सकता है अगर हम x को जीरो पुट कर लें। नहीं सर, नॉट डिफाइन आ जाएगा जीरो पे, उसके बिना सर अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो फिर वन माइनस करेंगे। अच्छा तो सर डिवाइड करके वो पॉजिटिव में भी वैल्यूज आ सकती है, नेगेटिव में भी आ सकती है। अच्छा अच्छा चलो इसका ग्राफ बना के देखते, बना के देखें प्रैक्टिकली ग्राफ, क्या कहते हो? यस यस सर। ग्राफ बनाने के लिए ना पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए और कुछ नहीं। इस साइड बनाते हैं थोड़ा, ठीक है? अब ध्यान से देखो, पहले पॉजिटिव साइड बनाते हैं। जब पहले जीरो और वन के बीच में देखो क्या होगा, जीरो और वन के बीच में जब आप वन रखोगे तो क्या आंसर आएगा? जीरो। अब वन से छोटा करोगे जीरो की तरफ बढ़ोगे, वन से छोटा जीरो की तरफ, ये तो बहुत छोटी वैल्यू होगी, वेरी स्मॉल, ये बहुत बड़ी हो जाएगी। यस यस सर, बहुत बड़ी में से कुछ छोटा सा माइनस हो जाए, माइनस का साइन, बात समझ रहे हो? क्या कुछ ऐसे जाएगा ग्राफ? यस 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 सर, पक्की बात है? यस यस सर। अच्छा अब वन से बड़े के लिए क्या होगा? वन से बड़े के लिए सोचोगे तो सर x की वैल्यू तो ज्यादा होगी, सर x की वैल्यू बड़ी होगी उसकी, जो 1 by x की वैल्यू छोटी होती जाएगी। अच्छा इंक्रीज करेगा तो ये कितना होगा आएगा? 2 minus 1 by 2 3 minus 1 by 3 एक्चुअल में y equal to x लाइन टाइप से थोड़ा नीचे रहेगा, क्या बात समझ रहे हो? यस yes.
कुछ ऐसे फील ही लेनी है यार हमें, तो हमें कौन सा एग्जैक्ट कर्विंग करनी है कि पुल बनाना है कोई। बात समझ आ रही है? यस सर। y इक्वल टू x की लाइन से हमेशा नीचे रहे करेगा ना, 4 माइनस 1 बाय 4 इसको टच करने की कोशिश करेगा। क्या फील आया? यस यस सर। अच्छा, और माइनस 1 और 0 के बीच में सर इंक्रीज करेगा, ऊपर तक जाएगा y पॉजिटिव में। तो ये बता रहा है इसका? नहीं सर, माइनस 1 से 0। अच्छा रुक जा रुक जा। अच्छा अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, बट आप ये तो देख लो कि ये वाली पूरी चीज कहां से कहां तक हो सकती है भाई। माइनस 1 to 1 आ ही सकता है कुछ भी। yes, ये चीज वैलिड है ना? ये तो ओके है। बात समझ गए? हमारा क्वेश्चन तो हो गया। हमारा क्वेश्चन तो यस बेटा, ये बात समझ आई है कि नहीं, सच बताओ? यस यस सर। बिगो कीरत समझ आया बेटा? यस सर। सच बोल रही हो? तो आया पर अच्छे से नहीं आया। बताओ क्या नहीं समझ आया, फिर बताओगी कब? सर आपने बोला कि वो x equal to y की जो लाइन है उससे नीचे रहेगा, उसको टच नहीं करेगा। हाँ ऐसा देखो ना, क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ ये होता तो y equal to x की लाइन बनाते ना हम, इसको तो भूल। तो y equal to x की लाइन बनती ये वाली। यस सर। अब उसमें से कुछ हर बार माइनस हो रहा है ना, जैसे 2 माइनस 1 बाय 2, 3 माइनस 1 बाय 3, थोड़ा नीचे रहेगा। ओके सर। समझ आया ना? जैसे आपका y को पुट किया, y equal to x line पे तो 4 आंसर आना था, बट यहाँ पे 4 माइनस 1 बाय 4 नीचे नीचे, बहुत थोड़ा नीचे। क्या बात समझ आई? यस सर। हर बार ना प्रैक्टिकली सोच के देखा करो, थोड़ा सा थोड़ा सा। समझ आया ना? यस सर। मतलब जो इसका आंसर है वो माइनस इनफिनिटी से लेके बहुत ऊपर तक जा सकता है, इनफिनिटी तक। यस यस सर। तो मतलब जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था 2 sin x is equals to x minus 1 by x, मतलब ये वाली वैल्यू कभी ना कभी माइनस 2 और 2 के बीच में होगी ना? यस सर। होगी, इतना तो कम से कम होगा ही। यस सर। तो हमारा सॉल्यूशन आ सकता है ना इस पे? यस सर। यस सर। तो जितेंद्र तू कैसे सिर पकड़ के बैठा है, ये समझ नहीं आ रहा बेटा, बता। आ रहा है सर। अच्छा चैंपियन बंदा यार तू। ये समझ आ गया सबको? यस यस सर। अगर वहां पे 2 sin x की जगह अकेला sin x होता तो भी आ सकता था ना हमारा? हां हां, फिर तो ये माइनस 1 और 1 के बीच में भी तो है, देख ले। इसमें कुछ ना कुछ आंसर्स आ ही रहे हैं। यस सर। ठीक है चलो, अब एक क्वेश्चन और है आपके लिए। आपको इसका ग्राफ बनाना है y equals to x minus 1 by x का। ये भी बूस्टर वालों में लिख लो। देखो ग्राफ बनाना एक मजा होता है, वैसे जरूरी नहीं है, ठीक है? जिसको बनाना है वो बनाना, मुझसे चेक करवा लेना। आगे क्वेश्चन बोलो, आगे क्वेश्चन बोलो बच्चों। सर हाँ जी हाँ जी सर, अगर इसी क्वेश्चन में हमें थीटा की जगह एक्स दिया होता फिर हम कैसे, फिर भी हम पॉसिबल कहते हैं? हाँ हाँ कहते कहते, टेंशन ना ले। आगे क्वेश्चन बोलो। 28th क्वेश्चन। 30 सीधा 30। अच्छा 13 13th क्वेश्चन। देखो भाई आज का लास्ट है, बस आज का लास्ट है, इसको अच्छे से कर लो। 13th क्वेश्चन ये बोल रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी कॉट ए कॉट बी कॉट सी पॉजिटिव है तो ट्राइंगल कैसी होगी? भाई बड़ी सिंपल है, ट्राइंगल कैसी होगी? कॉट ऑफ ए कॉट ऑफ बी कॉट ऑफ सी पॉजिटिव है। अच्छा एक ट्राइंगल है एबीसी, यहाँ पे ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी। अच्छा कॉट ए कॉट बी कॉट सी पॉजिटिव है, केस बना लेते हैं और क्या, जान लोगे। देखो भाई ध्यान से सारे बच्चे, ध्यान से देखो इसको कैसे करते हैं। अगर ये तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तीनों का, तो ये हो सकता है कि ये पॉजिटिव रहा हो, ये पॉजिटिव रहा हो, ये पॉजिटिव रहा हो, एक केस बन सकता है। yes, sir. अगर yes, अभी sir, हम ट्राइंगल को ना देखें, अगर हम अभी हम ट्राइंगल को ना देखें, क्या ये बात समझ आई? yes, sir. अब ट्राइंगल को भी देखते हैं, क्या ट्राइंगल में कंपेटेबल है केस?
कॉट ए पॉजिटिव मतलब पहला क्वाड्रेंट Yes, sir. या फिर थर्ड क्वाड्रेंट तो हो ही नहीं सकता, फिर ट्रायंगल नहीं बन पाएगी। ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 होता है ना। Yes, sir. ये बात समझ आई बेटा? Yes. अच्छा तो अगर ये तो ये भी एक्यूट एंगल होगा, ये भी एक्यूट एंगल होगा, ये भी एक्यूट एंगल होगा, इस केस में तो ट्रायंगल कैसी होगी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या समझ गए? Yes, sir. बात है? Yes. अब ऐसे के अगला केस हो सकता है, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, सिर्फ इसके हिसाब से फिर भी तो नेट सम पॉजिटिव ही आ जाएगा प्रोडक्ट। Yes, sir. ये समझ आया? Yes, sir. अब देखते हैं कि ट्राइंगल में ये केस लग सकते हैं क्या? कोई कुछ पूछना चाहता है बेटा? अब देखते हैं ट्राइंगल में ये केस लग सकते हैं। अब देखो एक पॉजिटिव मतलब एक्यूट, ठीक है, नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गया होगा ज्यादा से ज्यादा। Yes, ज्यादा से ज्यादा सेकंड में गया होगा। Yes, sir. 180 तो क्रॉस करेगा नहीं। Yes, sir. तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एक एंगल एक्यूट कह दो तो ये ऑब्ट्यूस हो गया। Yes. और इसको भी ऑब्ट्यूस होना पड़ेगा, क्या ये पॉसिबल है? No, sir. मतलब ये केस हो ही नहीं सकता, तो ट्राइंगल हमेशा एक्यूट ट्राइंगल ट्राइंगल होगी। Yes. Yes. सोच के देखो थोड़ा, क्या समझ आया? थोड़ा दिमाग लगा इसमें। सर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया होता तो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता था। हाँ सर हो सकता था। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब कॉट जीरो किसी जगह पे होता ही नहीं है यार। कॉट जीरो जीरो पे होता है सर, 90 पे होता है। हाँ तो हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, टेंशन ही नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। ओके सर, ठीक है, यहां तक ये समझ आया? अक्ष सिंगला। यस सर। अक्ष सिंगला, अरे जल्दी बताओ, कीरत समझ आ गया? यस सर। पक्का ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? होमवर्क क्या है बच्चों कल के लिए? होमवर्क देख लो, कल के लिए बड़ा सिंपल सा होमवर्क है, 40 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ये बात भी याद रखो, जो जो होमवर्क कर रहे हैं वही मेरी क्लास में आएंगे, ठीक है? बाकी अपना चलते बनना। और मैं टिक लगा रहा हूँ जो जो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं डेली, और कॉपीज चेक की जाएंगी। तो ये होमवर्क है, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। अटेंडेंस हो गई है क्या? हाँ जी सर। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।